हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्या क्लासेस। आई एम सूर्यजीत मौर्य। हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कंसिक्वेंसी ऑफ चेंज इन रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी। ओके, यानी यहाँ पर दिया जा रहा है कि एक्सचेंज रेट में चेंज होने की वजह से जो लाइबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसका किस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। और एक्सचेंज रेट से हमारा मतलब ये है कि जैसे एक एसएससी इन इंडिया से कोई एसेट आउटसाइड इंडिया से परचेज करता है, ओके, जैसे एक मिस्टर ए है जो कि एक इंडियन है, ठीक, और उन्होंने एक एसेट आउटसाइड इंडिया यूएसए से परचेज किया, तो वह उस एसेट का जो पेमेंट परचेज प्राइस का जो पेमेंट करेंगे वो इंडियन करेंसी में तो पेमेंट नहीं करेंगे, उन्हें डॉलर में ही पेमेंट करना होगा, कि क्योंकि जहां से हम एसेट परचेज करते हैं उसी कंट्री के करेंसी में पेमेंट भी करना होता है। ओके, तो क्या होता है कि जैसे हमने कोई एसेट प्रीवियस ईयर 1819 में परचेज किया, उस समय एक्सचेंज रेट हमारा था $1 इक्वल टू 65 रुपीज, लेकिन हम पेमेंट कब कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 21-22 में हम पेमेंट कर रहे हैं, और एक्सचेंज रेट उस समय है $1 इक्वल टू 60 रुपीज 70 रुपीज, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि यह हमारा एक्सचेंज रेट डिफर है, जिस प्रीवियस ईयर में हमने परचेज किया एसेट, जिस प्रीवियस ईयर में हमने एसेट की प्राइस का पेमेंट कर रहे हैं, तो उस एक्सचेंज रेट के डिफरेंस होने की वजह से कुछ चेंजिंग आती है लायबिलिटीज में, ठीक। तो उस लायबिलिटीज का हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे वही हम देखने वाले हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर दिया गया है कि अगर एक इंडियन पर्सन कोई आउटसाइड इंडिया से एसेट परचेज करता है प्रीवियस ईयर 1920 में, उस समय हमारा एक्सचेंज रेट था कितना रुपया, $1 इक्वल टू 65 रुपीज, लेकिन क्या हुआ कि जब पेमेंट किया जा रहा है उस एसेट की प्राइस का पेमेंट किया जा रहा है प्रीवियस ईयर 21-22 में, उस समय हमारा एक्सचेंज रेट है $1 इक्वल टू 70 रुपीज। ओके, तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि जिस प्रीवियस ईयर 1920 में जब हम एसेट परचेज किए थे तो उसकी कॉस्ट कितनी थी पता है, $200 उसकी कॉस्ट थी। तो इसमें डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है कि जिस प्रीवियस ईयर में हमने एसेट परचेज किया उस प्रीवियस ईयर में एक्सचेंज रेट कुछ और था, और जिस प्रीवियस ईयर में हम पेमेंट कर रहे हैं उस एसेट का वो समय एक्सचेंज रेट कुछ और है, तो यहां पर 5 रुपीज का डिफरेंस आया है, यानी एक्सचेंज रेट हमारा 5 रुपीज से इंक्रीज हो गया है। तो इसका हम टैक्स ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कहा गया इसको हम ऐड कर देते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट में, एसेट के एक्चुअल कॉस्ट में इस डिफरेंस को हम ऐड करेंगे या लेस करेंगे। अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ होगा जैसा कि इस एग्जाम्पल में है, तो उस डिफरेंस को हम एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। अगर एक्सचेंज रेट डिक्रीज हुआ होगा तो उस डिक्रीज अमाउंट को हम एक्चुअल कॉस्ट में से लेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं कि उसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं। तो देखिए यहां पर सीधे सीधे लिख दिया गया है कि द अमाउंट बाय विच सच लाइबिलिटीज इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, पेमेंट करते समय जैसे हमने परचेज किया एसेट तो 65 रुपीज के रेट से हमें पेमेंट करना था, लेकिन जब हम एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हैं तो हमें 70 रुपीज के रेट से हमें पेमेंट करना हो रहा है, तो यहां पर लायबिलिटी जो है हमारी इंक्रीज हो जा रही है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट। तो कहा गया अगर लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज होगी तो उसे हम एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देंगे, उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट में से बढ़े हुए अमाउंट को हम ऐड कर देंगे। अगर
लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज होगी तो उसको हम लेस कर देंगे एक्चुअल कॉस्ट में से। नॉर्मली जो है हमारा लायबिलिटीज इंक्रीज ही करती है, एक्सचेंज रेट हमारा इंक्रीज ही होता रहता है। और यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग एडॉप्टेड बाय द एसएससी, एसएससी कौन सी मेथड को एडॉप्ट किया है उस एसेट की अकाउंटिंग के लिए, वो क्या है, इरिस्पेक्टिव है। यानी हमारे कहने का मतलब कि क्या वह कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करता है या एक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग करता है, वह क्या है, इरिस्पेक्टिव है। लेकिन कहा गया है इसके लिए आपको कुछ कंडीशन बताए गए हैं। कंडीशन क्या है आइए देख लेते हैं। कंडीशन, पहला कंडीशन हमें दिया गया है, एसएससी हैज एक्वायर्ड एनी एसेट इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम ए कंट्री आउटसाइड इंडिया। मींस कि अगर कोई कैपिटल एसेट एसएससी द्वारा एक्वायर्ड किया होगा, क्या गया होगा आउटसाइड इंडिया से, तो उसे इस तरह का बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड कंडीशन, इन कंसिक्वेंसी ऑफ ए चेंज इन द रेट ऑफ एक्सचेंज ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ सच एसेट देयर इज एन इंक्रीज और रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द एसेट एज कंपेयर टू द लायबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। मीन्स कि जिस प्रीवियस ईयर में आपने एसेट परचेज किया और जिस प्रीवियस ईयर में आपने उसका पेमेंट किया, इस ड्यूरान इस ड्यूरेशन में आपकी एक्चुअल लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हुई होनी चाहिए। अगर एक्सचेंज रेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो उसका हम कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। यहां पर देखिए, पेमेंट मेकिंग, पेमेंट किसके लिए किया गया हो सकता है, पेमेंट टुवार्ड्स द होल और पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। यह जरूरी नहीं है कि होल अमाउंट का पेमेंट किया जाए, उसके पार्ट ऑफ अमाउंट का भी पेमेंट किया जा सकता है। जैसे कि अगर एसेट परचेज किया गया है $200 में और हमने $100 का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसका भी हम ट्रीटमेंट करेंगे, प्रोपोर्शनेट ट्रीटमेंट किया जाएगा। टुवर्ड्स रिपेमेंट ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द मनी बॉरोड बाय हिम फ्रॉम एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी फॉरेन करेंसी स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग द एसेट अलोंग विथ इंटरेस्ट। सपोज करिए कि मिस्टर ए जो है एक इंडियन सिटीजन है या इंडियन रेसिडेंट है, उन्होंने एक एसेट यूएसए से परचेज किया, लेकिन उस एसेट को परचेज करने के लिए उन्होंने लोन लिया। लोन कहां से लिया, लोन किसी आउटसाइड इंडियन से ही लोन भी उन्होंने लिया, फॉरेन करेंसी में लोन लिया, क्योंकि उन्हें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है तो उन्होंने फॉरेन करेंसी में क्या लिया, लोन भी ले लिया। तो उस अगर इस एसेट को परचेज करने के लिए लोन लिया गया है तो भी यह प्रोविजन अप्लीकेबल हुआ किया जाएगा, माना जाएगा। ट्रीटमेंट हमने देखा, ट्रीटमेंट में आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर देखिए, जो हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था, जो कि ग्राफ में हमने डिस्कस किया था कि परचेज प्राइस कॉस्ट की कितनी थी, $200 थी, और जिस प्रीवियस ईयर में एसेट का इक्वायर किया गया है, एसेट इक्वायर किया गया है, उस प्रीवियस ईयर में जो एक्सचेंज रेट था, उस समय जिस डेट पर एसेट परचेज की गई थी, उस डेट पर जो एक्सचेंज रेट था वह 65 रुपीज पर डॉलर था, तो उस हिसाब से 13,000 रुपए लायबिलिटीज आती है। लेकिन हुआ क्या कि जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट किया जा रहा है, प्रीवियस ईयर 21-22 में,
उस प्रीवियस ईयर में एक्सचेंज रेट 5 रुपीज से इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से हमारी लाइबिलिटीज 14,000 रुपए आ गई, यानी 1,000 रुपए लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही है। तो जो यह इंक्रीज्ड अमाउंट है उसे हम एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देंगे, यानी उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद आते हैं टैक्स पॉइंट बताया गया है। टैक्स पॉइंट में क्या बताया गया है, इफ सच इंक्रीज और डिक्रीज अराइज आफ्टर द डिप्रिसिएबल एसेट ट्रांसफर्ड बट ब्लॉक एग्जिस्ट देन सच इंक्रीज और डिक्रीज शैल बी एडजस्टेड इन द WDV। इसको समझ लीजिए, हमने ब्लॉक ऑफ एसेट के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक, कि जो इनकम टैक्स एक्ट में जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वह ब्लॉक ऑफ एसेट पर कैलकुलेट किया जाता है। कहा गया अगर कोई एसेट प्रीवियस ईयर 1819 में परचेज की गई और प्रीवियस ईयर 2021 में वह सेल कर दी गई तो क्या होगा, लेकिन अभी ब्लॉक ऑफ एसेट एग्जिस्ट कर रहा है, ब्लॉक ऑफ एसेट एग्जिस्ट कर रहा है, तो कहा गया ड्यू टू चेंज इन द एक्सचेंज रेट इफ लाइबिलिटीज इंक्रीज देन सच लाइबिलिटीज एडेड टू सच ब्लॉक ऑफ एसेट, ओके, देन सच एजेट किया जाएगा। इफ हाउएवर ब्लॉक इज सीज टू एग्जिस्ट देन सच अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। कहा गया इफ सच ब्लॉक ऑफ एसेट, यानी जिस ब्लॉक ऑफ एसेट में यह एसेट फॉल करता है, अगर वह ब्लॉक ऑफ एसेट ही सीज टू एग्जिस्ट हो जाए तो कहा गया तब हम इंक्रीज लाइबिलिटीज को एक्चुअल कॉस्ट में एड नहीं करते हैं, उसे हम कैपिटल रिसिट मान लेंगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेंगे। नेक्स्ट, वेयर बी होल और एनी पार्ट ऑफ द लाइबिलिटी एफोरसेड इज मीट नॉट बाय द एसेसी बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी द लाइबिलिटी सू मेट शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। कहा गया अगर यह जो लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, अगर उस इंक्रीज अमाउंट का पेमेंट कोई अदर पर्सन कर रहा है, मींस अदर देन एसएससी, तो कहा गया तब उसे हम एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक्चुअल कॉस्ट की डिफिनेशन क्या देखी है कि केवल वह केवल जो अमाउंट एसएससी के द्वारा एसएससी को जितने रुपए का कॉस्ट आती है उतने रुपए ही उस एसेट की कॉस्ट मानी जाती है इन द हैंड ऑफ एसएससी। अगर उसे सब्सिडी मिली होती है तो उससे हम लेस कर देते हैं उस अमाउंट को, उससे हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं उतने पोर्शन को। नेक्स्ट देखते हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं, हमें और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर दे दिया गया है नारंग टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज्ड ए मशीनरी फ्रॉम जर्मनी फॉर यूरो 1 लाख ऑन 1 लाख यूरो में मशीनरी परचेज की गई है। कब परचेज की गई है, 3/9/2018 को परचेज की गई है थ्रू ए टर्म लोन के माध्यम से फ्रॉम फॉर्चून बैंक लिमिटेड। द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज ₹65, यानी जिस डे एसेट का एक्विजिशन किया गया है उस दिन जो हमारा एक्सचेंज रेट था वह ₹65 था पर जर्मनी यूरो। द एसएससी टूक ए फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ऑन 5/10/2019 व्हेन द रेट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट वाज ₹67 पर यूरो। यहां पर एक्सचेंज रेट देखिए इंक्रीज हो गया है 2 रुपए से, पहले हमारा 60 जिस डेट पर हमने परचेज किया ₹65 था हमारा एक्सचेंज रेट, लेकिन जिस डेट को पेमेंट होने वाला है वहां पर हो गया है ₹67 पर डॉलर पर यूरो।
कंप्यूट डिप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19, ये हमारा 90-20 हो गया है, 80-19 है ठीक, एंड 1920 इग्नोर एडिशनल डिप्रिसिएशन। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। पहले हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 के लिए। देखिए यहां पर कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ब्लॉक ऑफ एसेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम यह मान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर 1819 के का जो ओपनिंग ब्लॉक ऑफ एसेट का WDB है वह क्या है, जीरो है, और एसेट परचेज जो की गई है वह उसकी कॉस्ट SSC को कितनी पड़ी है, 65 लाख रुपीज, क्योंकि 1 लाख यूरो डॉलर है, यूरो है, फिर उसके बाद 65 रुपीज हमारा एक्सचेंज रेट है, तो हमें 65 लाख रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा रुपीज में। फिर उस अमाउंट में से हम लेस कर देते हैं नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब कि अगर कोई एसेट का कोई पार्ट प्रीवियस ईयर 1819 में सेल किया गया होगा तो उस अमाउंट को लेस करते हैं, तो इसमें इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन इलस्ट्रेशन में नहीं दिया गया है, तो हम जीरो अमाउंट मान लेते हैं। फिर हमें मिल जाता है WDV फॉर डिप्रिसिएशन पर्पज 65 लाख रुपीज। लेस कर देते हैं डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 जो कि प्लांट एंड मशीनरी पर हमें नॉर्मल डिप्रिसिएशन का रेट बताया गया है एट द रेट ऑफ 50%। यहां पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग देखेंगे न्यू प्लांट मशीनरी न्यू एसेट के केस में देखते हैं क्या वह एसेट जिस प्रीवियस ईयर में परचेज की गई है उस प्रीवियस ईयर में 180 डे या उससे अधिक यूज की गई है या 180 डे से कम यूज की गई है। अगर 180 डे या उससे अधिक यूज की गई होती है तो 100% ऑफ नॉर्मल डिप्रिसिएशन का हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, अगर 180 डे से कम यूज की गई होती है तो हम 50% ऑफ नॉर्मल डिप्रिसिएशन का लेते हैं। तो इस केस में 3/9/2018 को एसेट परचेज की गई है क्योंकि 180 डे से अधिक यूज की गई है। तो यहां पर देखिए हमारी डिप्रिसिएशन हमारा इतना आ जाएगा, फिर इसमें से हम लेस कर देंगे, हमें डिप्रिसिएशन मिल जाता है, क्लोजिंग WDB हमें मिल जाता है 55,25,000 रुपए। अब नेक्स्ट ईयर की डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है, डिप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 1920 के लिए। तो कहा गया है हमारा प्रीवियस ईयर 1819 का क्लोजिंग WDV ओपनिंग WDV बन जाता है प्रीवियस ईयर 1920 का, फिर इसमें हम ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट टू दी SSC क्योंकि प्रीवियस ईयर 1920 में एसेट की प्राइस का पेमेंट किया जा रहा है और जिस प्रीवियस ईयर में एसेट की प्राइस का पेमेंट किया जा रहा है एक्सचेंज रेट 2 रुपये से इंक्रीज हो गई है और एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख जर्मनी यूरो में थी, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 अरे 2 लाख रुपए हमारा एक्चुअल कॉस्ट इंक्रीज हुआ। नेट प्रोसीड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो हम मान लेते हैं कि नेट प्रोसीड नहीं रिसीव हुई है। हमें WDV मिल जाता है फॉर डिप्रिसिएशन पर्पज के लिए 57,25,000 रुपए। फिर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं एट द रेट ऑफ 50% के रेट से जो हमें मिल जाता है 8,58,750 रुपए। फिर इसके बाद हमें डिप्रिसिएशन हमें मिल गया 8,58,750 रुपए, क्लोजिंग WDV हमें मिल गया एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 48,66,250 रुपए। आइए देख लेते हैं एक और वर्किंग नोट, वर्किंग नोट जो कि हमने पहले आपको बता दिया है लेकिन हम यहां देख लेते हैं। इन नेट इंक्रीज डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट प्रीवियस ईयर 1819 में हमारा क्या था, 65 रुपीज पर जर्मनी यूरो था। फिर इसके बाद एक्सचेंज रेट प्रीवियस ईयर 1920 में हमारा 67 रुपीज हो गया, 2 रुपए से इंक्रीज हो गया।
डिफरेंस 2 रुपए का आया हमारा, जिसकी वजह से हमारी नेट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई 2 लाख रुपए से। तो इस 2 लाख रुपए को हम उस ब्लॉक ऑफ एसेट में एक्चुअल कॉस्ट मानकर उसमें एड कर देते हैं और इस 2 लाख रुपए पर भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो हम अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। तब तक क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।